अस्सलाम वालेकुम, आई एम आकिब रंधावा। इन टुडे लेक्चर आई डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन एनीमिया, इन विच आई डिस्कस अबाउट इट्स डेफिनेशन, इट्स प्रिवेलेंस, इट्स एपिडेमियोलॉजी, इट्स अकरेंस, इट्स साइन सिम्टम एज वेल एज क्लिनिकली एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस। एट एट एंड आई डिस्कस अबाउट द ऑल द मेजर टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन एनीमिया। अब अनीमिया होता है, अनीमिया में इशू ये आता है कि मैन को जो रेड ब्लड सेल का साइज है वो नंबर है और जो हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इशू क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज सिस्टम है उनमें इशू आ जाता है। वो अनीमिया इज डिफाइंड एज ए इट इज़ द डेफिशंसी इन द साइज एंड द नंबर ऑफ द आर बी सीज के रेड ब्लड सेल्स आर इन द अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन डेट दे कंटेन आर दिस डेफिशंसी लिमिट द एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू सेल। देन प्रिवेलेंस, प्रिवेलेंस है कि इसका फैलाव क्या है, ठीक है। अगर ग्लोबली देखा जाए कि ग्लोबिया इन जनरल जो पॉपुलेशन में 24 to 25% जो है प्रिवेलेंस रेट है अनीमिया का, ठीक है। तो ये तकरीबन ये अप्रोक्सीमेटली 1620 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड है कि जिनमें आयरन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। अब पाकिस्तान नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हो रहा है, अब रिसेंटली 2018 में का जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे पब्लिश हुआ, तो उसके अलावा इसे लास्ट 2011 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो वुमेन है जो चिल्ड्रन बेरिंग करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो उनका जो है कि बेरिंग एज में उनको 50 to 55% तक अनीमिक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, प्रेग्नेंट मदर को 50 प्रेग्नेंट मदर और लैक्टेटिव मदर हैं इनमें 55% चांस होते हैं। जो चिल्ड्रन हैं उनमें 62 to 65% तक चांस होते हैं उनमें अनीमिक होने के, ठीक है। तो अब काजीज में इस इशू क्या आता है कि एक तो जो हमारी डाइट है उसमें न्यूट्रिएंट का एडिक्वेट लेवल नहीं होता, ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से अनीमिक कंडीशन काज होती है, ठीक है। उसके अलावा ब्लड का लॉस है, वो हेमरेजिक कंडीशन में कोई इन्फ्लेमेशन में का या लिवर इन्फ्लेमेशन हो जाती है या कोई और इशू होता है, वहाँ ऑर्गन डिसफंक्शन होता है उसकी वजह से भी, कोई क्रोनिकली डिजीज का अटैक आ गया, मेटाबॉलिक रिस्क का अटैक आ गया, उस कंडीशन में भी अनीमिक स्टेज में पेशेंट चला जाता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ जेनेटिक्स में अबनॉर्मेलिटी आई, ठीक है। उसके अलावा जो आरबीसी की प्रोडक्शन है उसमें जब अबनॉर्मेलिटी होगी जिसकी वजह से ये अनीमिया काज होगा। सिम्टम्स क्या है कि वीकनेस है, फटीग है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, एनोरेक्सी है, ज़्यादा भूख नहीं लगती है, ठीक है। उसके अलावा वर्क परफॉर्मेंस में डिक्रीज हो जाती है, डिजीनेस, सुस्ती, काहली बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा मसल स्टिफनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सियल सेल इंजरी हो जाती है इसमें, ठीक है। उसका पीका क्या है, ईटिंग ऑफ नॉन फूड आइटम के, जो नॉन फूड आइटम है जो मिट्टी खाते हैं या फिर कुछ चाय खाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें खाते हैं, ठीक है। तो उस डिजीज को क्या कहें, पीका, कि ईटिंग ऑफ आर नॉन फूड आइटम इज कॉल्ड पीका। तो ब्रूशिंग क्या है, स्किन पे जो है एक स्पॉट टाइप बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सिम्टम जो है इसके स्किन पेल हो जाती है, आईलिड है वो इनसाइड उनके जो है वो लाइट पिंक सी हो जाती है, ठीक है, ये येलो और टाइप वो आईज हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो नेल्स हैं वो थिन हो जाते हैं, स्मूथ लाइक होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, इजिली ब्रेकेबल हो जाते हैं। जो टांग है ग्लोदिटिस हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या आता है कि जो टांग उसके सेंटर में कट लग जाता है, रेडिश टांग, स्वेलिंग टांग हो जाती है। इसमें लेबोरेटरी टेस्ट जो मेन टेस्ट है वो CBC है, CBC क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट, कि उसमें एक तो आपको वाइट ब्लड सेल की कंसंट्रेशन मिल जाएगी, आरबीसी की कंसंट्रेशन मिल जाएगी, प्लेटलेट्स काउंट आपको वहाँ से मिल जाएगा, HB मिल जाएगा, और उसमें मीन कॉर्पस्कुलर वाली मिल जाएगा, मीन कॉर्पस्कुलर कंसंट्रेशन मिल जाएगी, हीमोटोक्रिटिन मिल जाएगा उसका, ठीक है। उसके अलावा ल्यूकोसाइट्स हैं, प्लेटलेट्स काउंट है, उसके अलावा रेटिकुलोसाइट्स काउंट है, जो कि लेबोरेटरी टेस्ट में करते हैं एनीमिया को फाइंडिंग करने के लिए। देन हीमोग्लोबिन की है कि कितना ग्राम जो है WHO ने एक कट ऑफ पॉइंट रखा है कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए चाहिए कि जो चिल्ड्रन है अप टू 6 months टू अप टू 5th ईयर, उनमें यह है कि उनमें 11 g/dL हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ठीक है। और जो चिल्ड्रन है अप टू 11 ईयर, उनमें 11 to 12 कंसिडर किया गया है, तो अप टू 15 ईयर इज कंसिडर अप टू 12, एंड देन फॉर द प्रेगनेंट एंड मदर वुमेन इट्स रिक्वायरमेंट 11 एंड मेल अबाव द 15।
ईयर ऑफ द एज रिक्वायरमेंट ऑफ द आयरन इंक्रीज अप टू 13 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर। देन एनीमिक असेसमेंट ऑफ सेवेरिटी के, अब देखेंगे इनमें सेवेरिटी जो मिल्ड और मॉडरेट और सवीर होती है वो किस लेवल पे जाकर होती है, ठीक है। इनका थ्रेशोल्ड लेवल क्या है कि जिस पे आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और इनका जो टारगेट लेवल कौन सा है कि इसे आप अगर इस लेवल पे आप उसे मिनिमल कंट्रोल कर लें तो आयरन की डेफिशिएंसी के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। जो सवियर रिस्क होता है वो 7 है, मोस्टली 7 से ब्लो जब जाती है, एच बी जाता है तो उनमें बहुत इश्यूज आने लग पड़ते हैं, ठीक है। उनमें मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, उनमें आरबीसी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा उनमें ल्यूकोसाइटोनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से वो न्यूट्रन की प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जीआईटी रिलेटेड इश्यूज आने लग पड़ेंगे उनमें, ठीक है। देन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का जो फंक्शन क्या होता है कि इसने ऑक्सीजन को क्रॉस करवाना होता है कि जो ब्लड में क्या इसने क्या करना होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है, ठीक है। इसका लाइफ स्पैन आपको पता है पहले कि इसका जो है अप टू 3 to 4 मंथ इसका लाइफ स्पैन है, 4 मंथ इसका जो 120 डेज बनता है, ठीक है। कि जो नॉर्मल आरबीसी की माउंट है वो 4.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर है फॉर मेल, और जो फीमेल के लिए 4.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर। देन ब्लड स्मियर में क्या है कि ब्लड स्मियर में इनका टेस्ट जो करते हैं, मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम है, मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम जो है वो एच बी कंसंट्रेशन मेयर डिपेंड मेयर करता है, ठीक है। उसके बाद मीन कॉर्पस्कुलर मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है, ठीक है। इसने क्या करना है कि जो एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन होती है इन इन एवरेज रेड ब्लड सेल, ठीक है, ये इसने मेयर करना होता है। ये आगे उनके इंडिकेशन है कि जो रेड ब्लड सेल लेवल है, जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा ये, ठीक है, उनमें ये कि आरबीसी कंसंट्रेशन 80 से डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। उसके अलावा नॉर्मेटिक में क्या होता है कि आरबीसी कंसंट्रेशन 80 to 100 तक नॉर्मल से क्या होता है। उसका मैक्रोसाइटिक में क्या होता है कि जो आरबीसी का वॉल्यूम है उस, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाता है अप टू 100, और जो इसका मीन कॉर्पस्कुलर है वो अप टू ये भी 30 से जो अबाव है 31 से उसे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो अदर लेबोरेटरी फाइंडिंग में क्या क्या है, माइक्रोसाइटिक नीमिया, माइक्रोसाइटिक नीमिया में क्या होता है कि जो अगर माइक्रोसाइटिक नीमिया होगा उसमें सीरम आयरन उसका टोटल जो बाइंडिंग आयरन है वो मेजर किया जाता है। उसके अलावा TIBC है, TIBC क्या है कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये टेस्ट है। उसके अलावा सीरम फेरिटिन टेस्ट है। अगर किसी को माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा आपने सिंपल करना क्या है कि आपने उनको टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी टेस्ट, ये सबसे बेस्ट टेस्ट है आयरन की डेफिशिएंसी मेजर करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा सीरम फेरिटिन लेवल, आप जी इन दो मेजर टेस्ट से और सीरम आयरन लेवल से आप उनको फाइंड कर सकते हैं इसको माइक्रोसाइटिक नीमिया है क्या मैक्रोसाइटिक नीमिया, ठीक है। अगर उसे मैक्रोसाइटिक नीमिया हो, ठीक है, तो उसके साथ साथ उसको फ्लैट की बीट वैल्यू डेफिशिएंसी आती है, ठीक है। उसके अलावा उनमें क्या होता है कि उनमें जो हीमोसिस्टीन का लेवल राइज हो जाता है, ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ अनीमिया, अनीमिया मैंने ऑलरेडी बताया है, मैक्रोसाइटिक अनीमिया है, नॉर्मल साइटिक अनीमिया है, ठीक है, मैक्रोसाइटिक अनीमिया है। जो माइक्रोसाइटिक अनीमिया उनमें डेफिशिएंसी होती है आयरन की, कॉपर की, और थेरेसीमिया उनमें होता है, ठीक है। जो थेरेसीमिया मेजर होता है वो मोस्टली आयरन के पेशेंट होते हैं कि आपने जब हमने विजिट किया था DHQ हॉस्पिटल 189 के साथ, तो वहाँ पे अनीमिया का जो पेशेंट था उनमें मैंने जो था थेरेसीमिया का पेशेंट उनमें मैंने इन्हें इनके फायर रीड करवाई थी कि उन्हें वो जो HB था वो below 6 था, ठीक है। तो वो उसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा, ठीक है। अगर जो नॉर्मोसाइटिक साइटिक एनीमिया होगा, ठीक है, उनमें क्या होगा, उसमें एप्लास्टिक एनीमिया होगा। उसके अलावा किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से, क्रोनिक डिजीज़ की वजह से एनीमिया हो सकता है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। और जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया है वो परनीशियस एनीमिया, B12 की डेफिशिएंसी से भी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, ठीक है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से जो होता है। तो उसके अलावा इसमें रिफ्रैक्टरी अनीमिया है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में ये एक मटरनल अनीमिया, ये मोस्टली मदर को होता है, ठीक है। तो उनमें 50% मदर को अनीमिक होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग इवन लैक्टेशन, तो जिसकी वजह से बच्चों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। उनमें
उनमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का चांसेस होता है, ठीक है। तो उसके अलावा उनमें स्पाइना बिफिडिया होने का चांसेस होता है। पर निशियस नीमिया जो है विटामिन B12 डेफिशिएंसी से आता है, मेगालोब्लास्ट की नीमिया जो है वो विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से आता है, ठीक है, जो जिसे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी भी कहते हैं। देन पर्सन एट अ ग्रेट रिस्क ऑफ द अनीमिया, के कौन से पर्सन है जो जो कि अनीमिक होने के ग्रेट रिस्क पे हो गए, ज़्यादा उनमें चांसेस हो गए, ठीक है। एक तो वो है कि जिनकी डाइट इनएडिक्वेट है, जो वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, ठीक है, जो प्रॉपर जो जो डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे, उनमें डेफिशिएंसी होती है आयरन की, ठीक है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आयरन का रिचर सोर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर उनमें इंटेस्टाइनल डिजीज है, लाइक सीलिएक डिजीज है, ठीक है, जो कि ग्लूटेन ग्लैडिन की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जीआईटी लेटर, कोई और डिजीज है, गैस्ट्राइटिस है, ठीक है, उसके अलावा एचआईवी इन्फेक्शन है, एड्स है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जीआईटी लेटर कंप्रोमाइज हो जाएगा। जब एक फूड डायरिया है, ठीक है, अब एक फूड स्टे नहीं कर रहा तो उसमें किस तरह आयरन अब्जॉर्ब होना है। तो उसके अलावा ये कि जो इंक्रीज रिक्वायरमेंट होती है इन्फेंट्स, एडोलेसेंट, प्रेगनेंट और लैक्टेशन में, ठीक है, आयरन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज के नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जो इन्फेंट्स होते हैं, एडोलेसेंट होते हैं, प्रेगनेंट्स में और लैक्टेटिंग वुमेन में आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उनको हमने 4 ग्राम तक ज़्यादा देना होता है, ठीक है। इंक्रीज कंसनट्रेशन एक्सक्रीशन के ये कि जब देखो कि हेमोरेज की कंडीशन में, ठीक है, कोई ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई है, कोई हेमरेज हो गया है, ठीक है, कोई पेरासाइटिक इन्फेक्शन हो गई है जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। देन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, इट्स मोस्टली सफर इन प्रेगनेंट वुमेन। आयरन डेफिशिएंसी इज रैंक इन टॉप ऑफ द 3 ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स था, उसमें आयरन, आयोडीन और विटामिन ए का, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले हंगर इंडेक्स में जो टॉप 3 जो थे ग्लोबली डेफिशिएंसी को देखा गया, वो कौन सी थी, आयरन की और माइक्रोन्यूट्रिएंट में आयरन की, आयोडीन की और विटामिन ए की, ठीक है। जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुआ 2011, उसके अकॉर्डिंग ये था कि 25% जो वुमेन है वो आयरन डेफिशिएंसी निमिया में सफर हैं, ठीक है। उसके अलावा जो नॉन प्रेगनेंट वुमेन है वो भी 20% है, और चिल्ड्रन अप टू 30 to 35 है जो कि आयरन डेफिशिएंसी निमिया में सफर है। देन डायट्री रिकमेंडेशन फॉर आयरन, आयरन ये कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी होती है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन, ड्यूरिंग इन्फेंटेसी, ठीक है। अब ये कि इनको जो मेल है इनको इनको 7 से 10 mg/day चाहिए, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन उसमें 4 to 6 जो है वो mg/day इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ द आयरन, अवेलेबिलिटी क्या है, उसका अब्जॉर्प्शन रेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम मिल्क मिल्क लेते हैं, ठीक है, मिल्क से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है, ठीक है। उस कैल्शियम कितना मिलता है कि वो 1 ग्लास जो है मिल्क से कितना मिलता है, वो 2 से 3 टीस्पून बटर से कितना मिलता है, पीनट बटर से कितना मिलता है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी है, ठीक है। एक प्रोटीन है कि जिस तरह प्लांट्स में प्रोटीन कम होता है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होती है, जिसे लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो एनिमल्स हैं उनमें प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होता है, उनमें क्योंकि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पूरे होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड कंप्लीट होते हैं, ठीक है। एनिमल जो है मीट है उसको गुड क्वालिटी ऑफ मीट कहते हैं, तो वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन होगा, उसमें प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, वहाँ से हमें ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा बजाय इसके कि हमें प्लांट सोर्सेज से मिले, ठीक है। बायोअवेलेबिलिटी है एक जो एस्टिमेशन है, ठीक है, उसकी वो है 1.8 mg, और आयरन मस्ट बी अब्जॉर्ब डेली टू मीट द नीड, के हम मिनिमली 1.8 mg आयरन अब्जॉर्ब करना चाहिए, ठीक है। जो आयरन हम लेते हैं हीम सोर्सेज से, के जिसमें पोल्ट्री फिश मीट आ जाता है, उसे हीम सोर्सेज कहते हैं, ठीक है। जो प्लांट सोर्सेज होते हैं, ठीक है, उसके अलावा उसमें एग्स हैं, ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको नॉन हीम कहते हैं, ठीक है। उनमें अगर 3 to 8% तक बायोअवेलेबिलिटी होती है, ठीक, तो जो वेजिटेबल बेस्ड प्रोटीन है, ठीक है, उनकी बायोअवेलेबिलिटी कम होगी, इवन प्रोटीन की भी और आयरन की भी अप टू 8 तक, और जो
हीम है उनकी अप टू 15 तक होगी। ये सीरम लेवल ऑफ आयरन है कि कितना होना चाहिए, कितना ये होता है कि जो लिवर मीट है उसमें सबसे ज़्यादा होता है, कि अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी नीमिया है तो आप प्रेफर करें कि उसकी डाइट में लिवर मीट आप ज़्यादा करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो लेंटल्स हैं वो लेंटल बीन्स हैं उनमें भी एक अच्छा सोर्स ही दे। उसके अलावा जो मोस्टली इनको रिकमेंड किया जाता है पोमग्रेनेट का जूस रिकमेंड किया जाता है, ठीक है, उसमें भी आयरन का अच्छा सोर्सेज है। उसमें जो पर सर्विंग वो 3 मिलीग्राम तक आयरन दे देता है, ठीक है। इसी हिसाब से 3 से 4 कप, अगर 2 कप भी डेली डेली आप लें तो आपको जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट से आयरन की वो पूरी हो जाती है, ठीक है। तो ये सोर्सेज है कि आपके पर पोर्शन साइज में कितना कितना आयरन होता है, ठीक है। अगर आप 3 औंस लेते हो लीवर का, लीवर मीट का, ठीक है, कलेजी लेते हो, उसमें 7.2 मिलीग्राम आयरन होगा, ठीक है। अगर आप इसके अल्टरनेटिव में राइस लेते हो 1 कप, उसमें 1.8 होगा, ठीक है। ऐसे ही जो वीट है उसमें 1 होगा, 1 स्लाइस ब्रेड में, ठीक है। तो ये इन कंसंट्रेशन लिखी हुई आगे। देन आयरन इनहिबिटर में कौन कौन से फैक्टर होते हैं डाइट में जो कि आयरन के फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। कार्बोनेट्स हैं, टी जो टी और कॉफीज में होते हैं वो इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ फैटैट्स हैं, फैटैट्स फाइबर हैं जो मोस्टली जो रिफाइंड सीरियल और सोयाबीन में होते हैं, ठीक है, वो इनहिबिट कर देते हैं। उसके अलावा एग योक, ठीक है, इसमें आयरन की पोअर अब्जॉर्प्शन होती है क्योंकि उसमें फास्फोप्रोटीन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से। उसके अलावा ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट है, ठीक है, ऑक्सलेट की वजह से भी आयरन की अब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाती है। उसके अलावा कैल्शियम, अगर कैल्शियम की अमाउंट अगर आप ज़्यादा ले लें डाइट में तो उसकी वजह से भी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। अगर कैल्शियम अगर 300 to 600 मिलीग्राम ले लें, ठीक है, वो हीम आयरन की अब्जॉर्प्शन को वो अफेक्ट कर देगा। देन ऐसे मटर्नल एनीमिया ये एक मदर को होता है, ठीक है, जो इनएडिक्वेट लेवल ऑफ डाइट, ठीक है। उसके अलावा उसमें ड्यू टू एनी काइंड ऑफ मॉर्बिड मोर्टेलिटी डिजीज, तो इसकी वजह से इन्फेंट्स में डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें बच्चों ये होता है कि प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं, और बच्चों में जो मेन इशू आता है वो उनमें स्पाइना बिफिडिया का है, ठीक, और इसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का इशू आता है, ठीक है। देन पर्निशियस एनीमिया जो B12 डेफिशिएंसी होता है, पर्निशियस एनीमिया होता है, ठीक है। ये इंटरनिंग फैक्टर इसकी अब्जॉर्प्शन के लिए इंटरनिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है, जो इस ग्लाइको प्रोटीन होता है, ठीक है, जो जो के गैस्ट्रिक सेल से सक्रीट हो, जिसके पैराइटल सेल्स होते हैं स्टमिक के वो सक्रीट करते हैं, ठीक है, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से रिलीज आउट होता है, तो उसकी अगर इनएबिलिटी हो तो उसकी वजह से ये इशू बनता है, वो बॉडी उसे अप टू 4 देर तक स्टोर कर सकती है। उसके अलावा इसका रेफरेंट है कि 1 से 3 साल के बच्चों को कितना होना चाहिए माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायरमेंट 0.9 है, ऐसी अप टू 18 ईयर 2.4 है, ठीक है, अप टू 19 है ओल्डर्स में भी 2.4 है। B12 कंटेंट्स ऑफ द कॉमन फूड, कौन कौन से हो गए, किसको B12 डेफिशिएंसी हो गई है, तो कौन कौन से फूड इनको इंटेक करने से आपका B12 की रिकवरी आ जाएगी। वो चिकन है, लीवर मीट है, ठीक है, सार्डिन फिश है, कि जितने सी फूड हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनके लेने से ये अब्जॉर्प्शन इनकी इंप्रूव होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका यही है कि इसको विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशन करवाते हैं, ठीक है, डेली बेस पे आपको 17, किसी को सीवियर इश्यू से आप टू 115 डेज तक भी करवा सकते हैं, ठीक है। देन उनके ब्लड प्रोफाइल देखते हुए उनको उसी के साथ रिकमेंडेशन दे देंगे, ठीक है। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी जिसे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, फोलिक, ठीक है, इसमें यह होता है कि जो सनलाइट की वजह से, क्योंकि ये हीट सेंसिटिव है, हीट टॉलरेंस इतना लेवल नहीं है इसका, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्स्ट्रा कुकिंग की वजह से भी फोलिक एसिड जो है वो डीनेचर हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि जो फ्रेश सैलड है, फ्रेश फ्रूट्स है, उनमें फोलिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो फोलिक एसिड B12 है, ठीक है, वो DNA और RNA सिंथेसिस में उनका रोल है, तो अगर B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से भी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है।
देन डाइटरी रेफरेंस फॉर द फोलिक एसिड, ये कि अप टू 3 ईयर ये 150 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायरमेंट है फोलिक एसिड की, और अप टू जो है 14 ईयर वो 400 मिली माइक्रोग्राम तक है, ठीक है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन ये अप टू 200 तक ये इंक्रीज कर देते हैं। ये कॉमन कंपाउंड फूड्स हैं जिन जिन में जो है जिन जिन में है ये फोलिक एसिड होता है, ठीक है। ये उनके रिचेस्ट सोर्स हैं, मिल्क है, योगर्ट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा लिवर मीट है, चिकन है। ओके, अल्लाह हाफिज़।